अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आप सब कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हो गया था शहरी का वक्त और मैं यहाँ पे बना रही थी चिल्ली। तो इसके लिए मैंने ऑयल में ऐड किया था 1 टीस्पून ज़ीरा और इसके साथ मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ ऐड किया है और इन्हें बस हल्का सा स्टर फ्राई करके इसमें ये सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर दिए थे। इसमें वेजिटेबल्स में मैंने अनियन, टमेटोज, बेल पेपर्स और चिलीज लिए थे और इन्हें बस मोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसमें मैंने ऐड किया था 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। इसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया था टमेटो सॉस, सोया सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस। तो इन सबको मैंने ऐड करने के बाद बस मिक्स कर लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर ऐड किया है ताकि इसकी जो ग्रेवी हो थोड़ी सी थिक हो सके। और फिर मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया था और बस इसके बाद हमारा ये चिली पनीर डन हो गया था। और इसी के बाद जस्ट बाद मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पराठे, तो पराठे के लिए मैंने मैदा गून लिया था, सिर्फ सॉल्ट एंड थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया था और इसे गून लिया था। और इसके बाद मैंने जितना भी ये आटा गूंदा था इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। उसके बाद ये मैंने इसमें ऑयल लगाया है और इसके ऊपर से थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। इससे ये होता है कि हमारी जो लेयर वाले पराठे होते हैं इसके जितने भी लेयर हैं तो आपस में नहीं चिपकते हैं, बिल्कुल किले किले से बनते हैं। और ये इस तरह से मैंने रोल कर दिया है इन सबको और इसी तरह से सारा हम बना लेंगे। इस वक्त मैं बच्चों को भी उठा दिया था और क्योंकि शहरी में जब बच्चों को उठाओ तो उन पे भी कुछ अच्छा सा असर पड़ता है और बस ये सुन्नत है कि हम बच्चों को भी उठा दें तो इससे बच्चे के माइंड पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमने बच्चों को भी उठा दिया था और ये मैं फटाफट से बस पराठे तैयार करी थी कि अजान कहीं ना हो जाए। और ये बस मेरी हो गई थी टाइम से, ये सारा चीज़ मैंने कर लिया था और फिर हमने सहरी इसी के साथ किया था। तो यहाँ पे हमने अपना सहरी कर लिया था और इसके बाद बस सो गए थे और फिर नमाज वगैरह पढ़ने के बाद और फिर मैं उठ गई थी 11 बजे। और इसके बाद मैंने पहले ही ये शरबत तैयार कर लिया था क्योंकि फिर लास्ट मोमेंट में यही होता है कि जब अजान होने वाली होती है और शुगर बस मेल्ट नहीं हो पाता और जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है। तो मैंने पहले ही शरबत तैयार करके रख लिया था और ये अब मैं बनाने लगी थी छोले। तो छोलों को जो मैंने बॉईल करके स्टोर किया था तो इनके लिए ये मैं मसाला तैयार कर रही थी। और यहाँ पे मैंने ये अनियंस को गोल्डन ब्राउन कर लिया 1 मीडियम साइज़ के और इसमें मैंने 1 टीस्पून जिंजर एंड 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है और बाकी सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर। और इसके बाद मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया और ये मैं अब इसमें ऐड करने जा रही थी ये मटर जो मैंने स्टोर किया था, तो ये फ्रोजन मटर इसमें मैंने डाल दिया है। और इसके बाद हमें इसे कवर करके बस थोड़ी देर के लिए छोड़ देना इसी तरह से। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है चॉप किए हुए अनियंस और चिलीज और इसके साथ अब मैं चॉप कर रही थी यहाँ पे बेल पेपर्स। तो ये हाफ बेल पेपर मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है और इसी के साथ मैंने कैरेट भी इस तरह से चॉप कर लिया है, तो ये भी हाफ कैरेट है। इतने देर में यहाँ पे ये छोले भी हो चुके थे रेडी, तो मैंने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड किया और इसके बाद 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और बस ये हमारा डन है छोला। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं स्वीट कॉर्न्स और इसे बस इसमें हमें ऐड करना है चिली फ्लेक्स। अभी मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया है, जब मैं तैयार करूंगी इसे तब मैं लास्ट में इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। तो इतने देर में मैंने यहाँ पे ले लिया था टमेटो सॉस और इसमें ऐड किया है गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर और विनेगर
और चिली फ्लेक्स और इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और ब्रेड में इस तरह से हमें इसे लगा लेना है। के ऊपर से हमें चीज़ लगाना है, तो ये यहाँ पे मैं इसे स्प्रेड कर रही थी इस तरह से, तो ये मैंने चीज़ इसमें स्प्रेड करके डाल दिया है और ये मैं हाफ इसमें से निकाल ले रही हूँ और इसमें मैंने टमेटो और सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसके बाद इसे मिक्स करके इसके ऊपर से मैंने लगा देना है। अब मैं इसके ऊपर से यहाँ पे ऑरिगैनो स्प्रिंकल कर दिया है और चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल करने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। ये सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद मैं उसे भी बना लूँगी, क्योंकि फिर जब एक बार चीज़ हम मेल्ट हो जाती है और फिर हम इस तरह से ये ठंडी हो जाती तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने अभी फ्रिज में रख दिया। और ये यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें को फ्राई कर लिया और मैंने अनियन के पकौड़े भी बनाए थे बिल्कुल सिंपल मेथड से, जैसे हम बनाते हैं बस अनियन और ग्रीन चिलीज़ हरी धनिया वगैरह के साथ, तो मैंने वो बना लिया था। और इसके बाद ये मैं फ्राई कर रही थी फ्राइम्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आए थे इस बार, तो ये छोलों के साथ में काफ़ी अच्छी लगती है, तो हम ये जब बनाते तो छोले के साथ ही खाते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स भी कट कर लिया था और फ्रूट्स में मैंने ये वाटरमेलन, बनाना और एप्पल और ऑरेंज, बस ये सारा चीज़ कट कर लिया था। और ये मैं फ्राइम्स फ्राई कर रही थी इकट्ठे, क्योंकि फिर मैं इन्हें एक साथ बस फ्राई कर ले रही थी और इनमें से हाफ मैं कल के लिए स्टोर कर लूँगी। तो यहाँ पे ये फ्राई करते करते कैमरा मेरी नीचे गिर गई थी और इसके बाद फिर मैं ये देखो ये इस तरह से स्टोर कर दिया था इसमें बॉक्स में। और ये यहाँ पे प्याज के पकौड़े फ्राई हो रहे थे, तो इन्हें भी मैं निकाल ले रही हूँ। तो ये सब मैंने शॉप के लिए रेडी किया था इफ्तार, इस तरह से मैं भिजवाती हूँ और डेली ही भिजवाऊँगी, तो आज भी इस तरह से मैंने रेडी कर दिया था। और यहाँ पे अजान हो गई थी और मैं काफ़ी लेट हो गई थी और बस अजान हुई तो फटाफट से मैंने इस तरह से बेड पे ही सारा सब कुछ लगा दिया था, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट रोज़ा था और इतना टाइम का अंदाज़ा नहीं रहा और टाइम कैसे निकल गई पता नहीं लगी। खैर हमने इस तरह से अफ्तार कर ली थी यहाँ पे और इसके बाद फिर मैंने अफ्तार करते ही फिर पिज़्ज़ा भी, ब्रेड पिज़्ज़ा भी रख दिया था पैन पे। और बस 5 मिनट्स में ये भी तैयार हो गए थे, तो इस वक्त में हमारा पेट बिल्कुल फुल हो चुका था, तो हमने सिर्फ 2 ही ये ब्रेड पिज़्ज़ा ट्राई किया था और फिर 2 मैंने रख दिया था फ्रीज में इसी तरह से, तो मैं कल उसे बना लूँगी। और ये देखो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अब चाय, तो अभी हो चुका था ईशा का वक्त और मैं सिर्फ अपने लिए यहाँ पर चाय बना रही थी। और इफ्तार करने के बाद मैं सो भी गई थी, 1 घंटा मैंने आराम कर लिया था और फिर मैंने ये चाय बनाई थी। और चाय बनाने के जस्ट बाद मैंने खाना भी बनाना शुरू कर दिया था, तो खाने में मैंने चिकन बनाया और वाइट खुशका बनाई है, तो जो मैंने यहाँ पे हमने इफ्तार कर लिया था। और इफ्तार करने के बाद ये मैंने चिकन ऐसे चढ़ा दिया था, बस मैंने ऑयल में ये जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था ये ऐड कर दिया था और इसमें मैं भी डाल रही हूँ सॉल्ट और गरम मसाला पाउडर ऐड किया था और इसमें मैंने ऐड किया था मस्टर्ड सॉस और थोड़ा सा हनी ऐड किया और बस इसे कवर करके बस ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो गए थे। और इसी के साथ मैंने इसके साथ बनाया था आज खुशका, तो ये हमारा खाना भी रेडी हो गया था इस तरह से। मैं काफ़ी ज़्यादा इस वक्त थक भी गई थी।
तो यहाँ पे खाना बन चुका था और मैं खाना सर्व करने जा रही थी। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।